Module 3 that is about what is developmental delay and related disorder. So, if we look into the DSM 5, it gives us a different type of disorder under this heading, and these are comprised of intellectual disability, communication disorder, autism spectrum disorder, attention deficit or hyperactivity disorder, specific learning disorder, and motor disorders. So, DSM 5 is saying that the children who have a developmental delays might be classified in any one of these disorders. so we will go one by one about these disorders. number one is the intellectual uh, disabilities. so hampiswakat kahingayke, bacheko intellectual disability here, when the child has a deficit in mental abilities as well as child has a deficit in adaptive functioning. सो अगर हम एक्सप्लेन करें कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ डेफिसिट इन मेंटल एबिलिटीज दैट्स मीन दैट द चाइल्ड इज अन एबल टू परफॉर्म सर्टन टास्क लाइक रीजनिंग प्लानिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डैफिसिट इन अडाप्टिव फंक्शनिंगन वट डज देट मीन इट मीन दैट द चाइल्ड हैज़ डेफिसिट एट पर्सनल एंड सोशल फंक्शनिंगल सो इसका मतलब ये है कि जब एक बच्चे के अंदर ग्लोबल एम्पेयरमेंट हो मेंटल एबिलिटीज की भी एज वेल एज़ उसके अडेप्टिव फंक्शनिंग की भी तो उस वक्त हम उस बच्चे को क्लासिफाई करते हैं एज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसकी आप ज़्यादातर एग्ज़ाम्पल देखोगे जिस तरह बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं वो आते हैं एंड दे वर कंप्लेनिंग कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है वो बोल नहीं पाता उसकी लैंग्वेज एबिलिटी डेवलप नहीं हुई वो पेंसिल नहीं पकड़ पाता वो अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर पाता अगर बच्चा तीन साल का है या चार साल का है तो वो अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं कर पाता या उसे राइट और लेफ़्ट शूज़ का पता नहीं चलता या अपने शूज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो इस किस्म के बच्चे जो हैं उनको हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डाफिजिट है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उन बच्चों के अंदर मौजूद है ऐसे पेरेंट्स आमतौर पर ये भी कंप्लेन करते हैं कि ये कुछ पढ़ नहीं पाता और आम तौर पे पेरेंट्स उस वक़्त कंसर्न होते हैं जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है और उसको किसी कोई चीज़ वो पिक नहीं कर पाता यानी वो वर्ड्स को रिकगनाइज़ नहीं कर पाता वो बोल नहीं पाता उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट नहीं हुई होती तो उस वक़्त जो है इंटेलैक्चुअल डिसबिलिटी जो है वो पेरेंट्स को ज़्यादा पता चलती है कि वो डिलेड जो है बच्चे के अंदर आ रहा है वी इफ़ वी विल गो टू वर्ड्स द सेकेंड डिसऑर्डर दैट इज़ द कम्युनिकेशन डिसऑर्डर ये भी यूजुअली बच्चों के अंदर डेवलप होता है और इसके अंदर आपने आमतौर पर देखा होगा कि बच्चों को आर्टिकुलेशन का मसला होता है जिस तरह काफ को ते बोल देना और इसी तरह स्ट्रक्टरिंग का प्रॉब्लम होता है जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा हकलाहट का शिकार होते हैं या डिफरेंट लफ्जों के ऊपर अड़ अड़ के बोलते हैं तो इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के अंदर कैटर होते हैं इसका मतलब ये होता है कि बच्चा अपने एज अप्रोप्रिएटली वर्ड्स जो है वो प्रॉपरली आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा या वो उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहा इस किस्म की जो डिसेबिलिटी है वो सर्टन टाइम चाइल्डहुड के अंदर ठीक भी हो जाती है और सर्टन टाइम वो फॉर द लाइफ लॉन्ग जो है वो प्रिवेल भी करती है लेकिन इसकी जो अक्रंस है uh, वो अर्ली चाइल्डहुड में ही होती है इसलिए इसको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई किया जाता है डेवलपमेंटल uh, डिसऑर्डर्स के अंदर देन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ऑटिजम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है दिस इज़ अ डिसऑर्डर जिसके अंदर बच्चे को सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम होता है अब सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम किस किस्म का होगा नंबर वन के बच्चा जो है वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर सकेगा उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होगी उसके बहुत सारे स्टीरोटिपिकल बिहेवियर्स होंगे जिस तरह हैंड फ्लैपिंग होगा क्लैपिंग होगी हेड हेड बैंग हो सकती है अपने आप को इंजरी कर सकता है ठीक है इस किस्म के जो बिहेवियर्स हैं वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आपको नज़र आएंगे ये भी चाइल्डहुड डिसऑर्डर है और इसकी अक्रंस भी अर्ली चाइल्डहुड में ही होती है इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बच्चे का कम्युनिकेशन बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ होता और ये आई कॉन्टेक्ट जो है वो डेवलप नहीं कर पाता तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको हम कहते हैं कि दे हैव द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देन वी विल गो टूवर्ड्स द अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अब ये किस किस्म का डिसऑर्डर है इसके अंदर जो बच्चा होता है उसका अटेंशन स्पैन जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है फिजिडिटी बहुत ज़्यादा करता है ही और शी कैन नॉट बी एबल टू सिट कामली और वो जब भी आपके कमरे के अंदर एंटर होगा तो यू विल फील कि वो आपके कमरे की हर चीज़ को वो टच करेगा इसी तरह जो हाइपर एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होगी यानी वो सेट स्टिल नहीं कर सकेगा उसके टीचर्स जो पेरेंट्स हैं जब वो आएंगे तो वो ये बताएंगे आपको कि जो उसके टीचर्स हैं वो ये कम्प्लेन करते हैं कि ये बच्चा क्लास के अंदर घूमता रहता है ये बैठता नहीं है और ऐसी ही सिमिलर कंप्लेंट्स जो हैं वो उसके पेरेंट्स भी आपको करेंगे इसी तरह स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसऑर्डर है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें रीडिंग डिसऑर्डर आ सकता है राइटिंग डिसऑर्डर आ सकता है और मैथ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ सकते हैं अब ये डिसऑर्डर्स स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं इसके अंदर जो हॉलमार्क फीचर है वो ये है कि जो बच्चे का आई लेवल है या जो उसकी इंटलेक्चुअल एबिलिटी है वो नॉर्मल होती है लेकिन स्पेसिफिकली उसको प्रॉब्लम आ रहा होता है राइटिंग के अंदर या रीडिंग के अंदर या अर्थमेटिक के अंदर अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जिस वक़्त वो वर्ड देखता है तो वो उसको प्रॉपर्ली रिकेगनाइज नहीं कर सकता डिफ़िकल्ट वर्ड्स को वो गलत बोल देता है इसी तरह जो अरेथमेटिक है उसके जो मुख्तु फार्मूलाज हैं या डिफरेंट जो उसके डिजिट्स हैं उनको सही तरह रिकगनाइज़ नहीं कर पाता उनको मेमोराइज़ नहीं कर पाता तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको स्पेसिफिक एड्स दी जाती हैं और अगर स्पेसिफिक एड्स मिलने के बावजूद दे आर अनएबल टू परफॉर्म सर्टेन टास्क तो उनको फिर स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज किया जाता है देन द लास्ट वन इज़ द मोटर डिसऑर्डर्स मोटर डिसऑर्डर क्या है कि इसके अंदर बच्चे की जो मोटर मूवमेंट्स हैं वो इन्वोलेंट्री होती हैं मोटर मूवमेंट्स जो बॉडी पार्ट्स पे भी हो सकती हैं और वोकल भी हो सकती हैं इनको हम टिक डिसऑर्डर कहते हैं जिसके अंदर बच्चे की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इनवोलेंट्रली मूव करती हैं वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है तो उससे कंट्रोल नहीं हो पाता इसी तरह इसमें एक टोयट डिसऑर्डर्स होता है जिसके अंदर मल्टीपल बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो इस किस्म की जो मूवमेंट्स हैं वो इन्वोलेंट्री है और बच्चे के कंट्रोल में नहीं होती तो उस वक़्त हम उस बच्चे को स्पेसिफाई करते हैं कि दैट चाइल्ड हैज़ अ मोटर डिसऑर्डर्स